हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2, जिसमें क्वेश्चन कुछ इस ढंग से दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इवेलुएट द फॉलोइंग साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। इस ढंग से जैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं, तो यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके कुछ स्पेसिफिक एंगल दे रखे हैं। यहाँ पे 30 है, 60 है, 45 है, तो इनकी वैल्यूज़ को पुट करके हमने सिर्फ इनको सोल्व करना है कि ये किसके इक्वल होगा। और इसके लिए आपकी बुक के अंदर टेबल दे रखी है यहाँ पे, ये जैसे ये दे रखी टेबल, ये यहाँ एंगल ए है 0 डिग्री, 30 डिग्री है, 45 यानी 45 है, 60 है, 90 डिग्री है, और यहाँ पे एंगल है साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए, कोसिकेंट ए, उसके बाद सिकेंट ए एंड कोटेंजेंट ए। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। धीरे धीरे जैसे इस एक्सरसाइज को सोल्व करोगे आप, तो टेबल याद भी हो जाएगी आपको। जैसे यहीं से पूछ ले कि भी साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से साइन देखेंगे, यहाँ 0, साइन 0 कितना हो जाएगा 0, साइन 30 देखेंगे, यहाँ 30 है, ये साइन है, तो कितना हो जाएगा 1/2। ऐसे अगर टेंजेंट 30 अगर आप देखना चाहें, तो ये टेंजेंट है, वहाँ 30 है, दोनों पे क्या मिल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1/√3। तो इस ढंग से ये पूरी की पूरी टेबल जो है इसका यूज़ होगा इस एक्सरसाइज के अंदर। और जब इस टेबल को आप धीरे धीरे करोगे तो आपको याद हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, यूज करते जाओगे धीरे धीरे टेबल पूरी आपको याद हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो क्या दे रखा है, इवेल्यूएट द फॉलोइंग, हमने इसकी वैल्यू बतानी है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। तो यहाँ क्या करेंगे, टेबल को देखते हुए साइन 60 की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे। अब साइन 60 की वैल्यू इस टेबल के अंदर, एक बार इस क्वेश्चन थोड़ा बता देता हूँ मैं, साइन 60 क्या है यहाँ पे देखिए, √3/2। तो साइन 60 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, √3/2, बीच में कुछ नहीं, इट मीन्स यहाँ पे क्या आपका मल्टीप्लाई है, फिर कोस 30, कोस 30 का फिर यहाँ टेबल में देखिए, यहाँ पे देखिए कोस हो गया, ये 30 है, तो वैल्यू क्या है इसकी, √3/2, इसकी वैल्यू क्या आपकी √3/2 प्लस साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू को देखिए, ये आपका साइन ए है, यहाँ 30, तो वैल्यू कितनी है 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। उसके बाद कोस 60, ये 60 है, और कोस 60 की वैल्यू भी कितनी है 1/2 है। तो इस ढंग से इस टेबल को देखते जाएंगे, वैल्यूज को पुट करते जाएंगे, आपके क्वेश्चन अपने आप धीरे धीरे सोल्व हो जाएंगे। तो √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हो जाएगा पूरा, ये नीचे 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या आपका 1/4 हो जाएगा, एलसीएम 4, ऊपर क्या हो जाएगा 3+1, 4/4 = 1, यानी इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी आपकी 1 के इक्वल हो जाएगी। सेकंड पार्ट, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। तो यहाँ देखिए 2 tan² 45, यानी tangent 45 की वैल्यू देखिए आप, ये tangent है, ये 45, वैल्यू कितनी है 1 है इसकी। तो यहाँ क्या कर देंगे, 1 और इसका स्क्वायर दे रखा था, यहाँ स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos² 30। अब cos 30 की वैल्यू अगर आप देखेंगे, यहाँ देखिए cos 30 की वैल्यू क्या आपकी है, ये cos, ये 30 कितना है √3/2, cos 30 की वैल्यू है आपकी √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 का स्क्वायर। अब sin 60 की वैल्यू, ये sin, ये 60 कितनी है वैल्यू √3/2, तो इसकी जगह क्या जाएगा √3/2 का स्क्वायर, ये वैल्यूज हो गई। अब इनको सोल्व कर दीजिए, देखिए क्या आंसर आता है आपका, 2 × 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये दोनों कैंसिल और 2 × 1 = 2, तो ये आपका हो जाएगा सेकंड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें निकालना हमें वैल्यू किसकी, cos 45 अपॉन secant 30 प्लस cosecant 30। अब cos 45 की जो वैल्यू देखेंगे टेबल से, तो वो आपकी किसकी इक्वल है 1/√2 के, और secant 30 जो है इसकी वैल्यू है 2/√3, secant 30 की भी 2/√3, प्लस cosecant 30 जो है आपका, cosecant 30 है वो आपकी 2, cosecant 30 किसकी इक्वल आपका 2, और 2 को आप क्या लिख सकते हो 2/1 कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे इसको सोल्व करिए, ऊपर क्या आपका 1/√2, और नीचे वालों का एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा एलसीएम √3, यहाँ क्या जाएगा 2, और क्या हो जाएगा 2√3 यहाँ आ गए। उसके बाद आगे देखिए, ऊपर क्या आपका 1/√2, और
ये जो नीचे है आपका इसको पलट देंगे, रूट थ्री चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या रह जाएगा, टू प्लस टू रूट थ्री, ये पोजिशन हो जाएगी, ये बन जाएगा। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, चलिए इसको दोबारा लिख देता हूँ, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका है रूट थ्री और नीचे आपका क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इनको सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई किसकी, देखिए इसकी करेंगे ना, रूट टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, टू रूट टू, फिर रूट टू को यहाँ से करेंगे प्लस टू आ जाएगा, और रूट टू और रूट थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, टू रूट सिक्स, यहाँ पहुँच गए। ठीक है, अब क्या करते होते हम जो है, अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, यहाँ हम जो है ये आपका रूट थ्री है और मैं इसको पहले लिख लेता हूँ टू रूट सिक्स को, और टू रूट टू को कर देता हूँ बाद में। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मैं इसके जो डिनोमिनेटर इसका रैशनलाइजेशन करूँगा, और ये चाहूँगा जब यहाँ पे फार्मूला बने मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फर्स्ट वाली जो मेरा जो नंबर है वो क्या हो जाए, बड़ा रहे सेकंड वाले से। तो एक तो ये कर दे, दूसरा आप क्या कर देंगे रैशनलाइजेशन के लिए क्या कर देंगे, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, किससे करते होते हैं, यहाँ जो भी साइन होता है ना उसका ऑपोजिट साइन ले लीजिए, यहाँ प्लस है तो मैंने माइनस ले लिया, यहाँ अगर माइनस होता तो मैं प्लस ले लेता, यानी किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, टू रूट सिक्स माइनस टू रूट टू से। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए, अब आप आगे चलेंगे तो ये क्या होगा आपका, रूट थ्री तो है ही यहाँ पे, अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, रूट थ्री को जब टू रूट सिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, टू रूट एटीन हो जाएगा ये सिक्स और थ्री की मल्टीप्लीकेशन, फिर माइनस टू तो है ही है, और रूट थ्री और रूट टू को मल्टीप्लाई करूँ क्या हो जाएगा, टू रूट सिक्स हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आपका ये देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि टू रूट सिक्स का स्क्वायर, इसलिए क्या था मैंने ताकि यहाँ पे जो बड़ा जो नंबर हो पहले आ जाए, माइनस टू रूट टू का स्क्वायर यहाँ आ गई। ठीक है, और आगे चलिए, हो टू एटीन है, इसको क्या कर लें हम, एटीन को नाइन इंटू टू कर दूं मैं, एटीन का माइनस टू रूट सिक्स ये तो है ही, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ करते देखिए टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर, और रूट सिक्स का स्क्वायर का जो पूरा सिक्स हो जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर फोर और रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पूरा टू हो जाएगा। अब ऊपर क्या बनेगा, वो टू है ये, नाइन रूट टू का क्या हो जाएगा, बाहर लेके आऊँगा नाइन का रूट थ्री हो जाएगा, थ्री रूट टू माइनस टू रूट सिक्स अपॉन फोर सिक्स जै ट्वेंटी फोर माइनस फोर टू जै एट। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कर लेते, टू कॉमन ले, ऊपर दोनों में से टू कॉमन ले लिया, अभी टू कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, थ्री रूट टू माइनस टू कॉमन ले लिया, क्या बचेगा आपका, रूट सिक्स बच जाएगा अपॉन ट्वेंटी फोर में से एट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, सिक्सटीन बचेगा इज इक्वल टू, और इसको काट दीजिए आप, टू एट जा सिक्सटीन, ऊपर क्या बचेगा आपका, थ्री रूट टू माइनस रूट सिक्स अपॉन एट, थ्री रूट टू माइनस रूट सिक्स अपॉन एट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसके थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट, साइन थर्टी प्लस टेंजेंट फोर्टी फाइव माइनस को सेकेंड सिक्सटी अपॉन सेकेंड थर्टी प्लस को सिक्सटी प्लस को फोर्टी फाइव, इसकी वैल्यू को हमने क्या करना, फाइंड आउट करना है। अब साइन थर्टी की वैल्यू जो है वो कितनी होती है आपकी, वन बाई टू, ये वैल्यू जो आप टेबल से देख के लिख देंगे। टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है, वन, जिसको वन अपॉन वन कर लेता हूँ मैं, और कोसेकेंट 60 जो है उसकी वैल्यू टेबल से देखेंगे वो आपकी क्या होगी, टू अपॉन रूट थ्री हो जाएगी अपॉन सेकेंट 30 जो है वो आपका किसके इक्वल होता है, टू अपॉन रूट थ्री,
कोस 60 किसके इक्वल होता है आपका 1/2 और प्लस कोट 45 का क्या लिख देंगे 1/1। ठीक है, उसके बाद जो ऊपर दे रखे हैं इनका सब कैल्शियम ले लेते हैं ऊपर वालों का, न्यूमरेटर का यानी कि न्यूमरेटर कैल्शियम क्या है 2/√3, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा आपका √3 आ जाएगा, फिर प्लस 1 है तो यूँ का क्या जाएगा आपका ये 2+√3 आ जाएगा, और इसमें क्या होगा √3 से √3 कैंसिल और 2 जा क्या हो जाएगा आपका 4 यानी माइनस हो जाएगा 4/। अब डिनोमिनेटर जो है उस कैल्शियम लेते हैं डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर कैल्शियम भी क्या होगा 2/√3 आएगा, √3 से √3 कट जाएगा, 2 जा क्या हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस √3 हो जाएगा और प्लस ये क्या जाएगा यूं का आपका 2√3 हो जाएगा 2√3। ठीक है, ऊपर जब देखते हैं तो क्या होगा, देखिए ऊपर को जब कैलकुलेट करते हैं तो √3 और 2√3 क्या बन जाएगा आपका 3√3 हो जाएगा ये, और माइनस क्या है 4/√3, ये तो न्यूमरेटर का किया हमने। अब ऐसे डिनोमिनेटर करेंगे तो ये आपका क्या जाएगा 4 आ जाएगा, और √3 और 2√3 क्या हो जाएगा 3√3, ये हो जाएगा आपका 3√3/2√3 हो जाएगा, ये भी एलसीएम तो दोनों का सेम ही आ रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको देखिए, अब हम करते हैं इसको ऊपर आपका 3√3 − 4/√3, इसको पलट देंगे 2√3 चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा आपका 4+3√3, ये आपके दोनों हो जाएंगे कैंसिल 2√3 से 2√3, क्या बचेगा भैया ये बच जाएगा आपका 3√3 − 4/4+3√3, ये बच जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, देखिए एक जैसे दिख रहे हैं देखने में तो, यानी इसको कैसे कर लेते हैं ऐसे, इसको यूँ लिख लें ऊपर 3√3 − 4 है और नीचे भी क्या कर दूं 3√3 + 4, कोई फर्क तो पड़ा नहीं इससे। ऐसा करने के बाद अब नीचे में डिनोमिनेटर के अंदर तो आपके रेडिकल्स हैं जो रूट वगैरह जो वो ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। कैसे देखिए, ऊपर था हमारा न्यूमरेटर पे था 3√3 − 4 और डिनोमिनेटर है 3√3 + 4, मल्टीप्लाई किससे कर दिया 3√3, नीचे वाले के अपोजिट से करते ना प्लस है तो क्या ले लेंगे माइनस ले लेंगे −4/√3 − 4, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया अभी। ठीक है, अब ऊपर क्या देखिए सेम आगे दम 3√3 − 3√3 − 4² यानी ये तो हो जाएगा आपका 3√3 − 4² अपॉन नीचे a + b × a − b, a² − b², a² यानी कि 3√3² और −b² यानी कि 4² a − b² अगर कैलकुलेट करेंगे तो a² + b² − 2ab, a² यानी कि 3√3² प्लस b² यानी कि 4² −2a की जगह 3√3 और b की जगह कितना आ जाएगा 4/ इसका स्क्वायर करोगे 3² कितना हो जाएगा 9 और √3² करोगे पूरा 3 हो जाएगा −4² क्या हो जाएगा 16, 3² 9 और ये 3 तो 27 प्लस 16 माइनस 4 2 3 = 6 4 = 24√3 और ये आपका 9 3 = 27 माइनस 16 और आगे चलेंगे तो 27 और 16 को ऐड करेंगे 43 माइनस 24√3/ 27 में 16 जाएंगे क्या जाएगा आपका 11 और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा।
तो इस ढंग से आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट। फिफ्थ पार्ट देखिए, 5 cos² 60 + 4 sec² 30 - tan² 45 / sin² 30 + cos² 30। तो पहले इसको 5 cos² 60, अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस 4 sec² 30, सेकेंड 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी 2/√3 इसका स्क्वायर, माइनस tan² 45, 45 की वैल्यू क्या होती है 1, उसका कर दीजिए स्क्वायर, अपॉन sin² 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर, प्लस cos² 30, cos 30 की वैल्यू √3/2 और इसका स्क्वायर, 5 ऊपर ही 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और माइनस क्या आपका 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 और √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू, ये आपका 5/4 प्लस 4 × 4 = 16/3 माइनस 1/1 कह दें इसको, और ये आपका 1/4 प्लस 3/4। ऊपर एलसीएम लीजिए, न्यूमरेटर का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, न्यूमरेटर का एलसीएम हो जाएगा 12, 4 × 3 = और 3 की 5 से करेंगे 15 प्लस 3 × 4 = और 4 को 16 करेंगे 64 और माइनस क्या हो जाएगा आपका 12 अपॉन इन कैल्शियम क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये क्या आ जाएगा आपका 3। ऊपर देखिए आपका 64 15 15 में से आपका 12 हो जाएगा कितना आ जाएगा 3, 3 को 64 में ऐड करो क्या हो जाएगा 67/12 अपॉन 1 + 3 = 4/4 क्या हो जाएगा 1, तो 67/12 और नीचे क्या है 1/1 या ये कहते आंसर क्या आपका 67/12। तो इस ढंग से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट।